बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अम्तुल्स किचन। आज हम बनाएंगे स्पैनिश ऑमलेट, से टॉर्टिला कहते हैं। इसके लिए मैं ये चीज़ें ली, 4 अंडे, हाफ बन कोतमीर, 1 प्याज मीडियम साइज़ की, 2 आलू है जिसे मैं आपको पील करके रख लिए दोनों को, 100 ml ऑयल, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टी स्पून नमक। हम आलू को और प्याज को कट कर लेंगे, पहले मैं कट करके दिखाती हूँ। देखिए पैन गरम हो गया, उसमें हम ऑयल डालें। ऑयल गरम होने तक मैं आपको दिखाती हूँ जो हम आलू और प्याज रखे थे वो कैसा काटी मैं। देखिए प्याज को ऐसा ऐसे पीसेस बना ली जो प्याज आपको दिखाई थी मैं। ये आलू को भी ऐसे काट ली और इसको इमीडिएट तलना है। अगर हम आलू को रख दिए तो काले होना शुरू हो जाते आलू। अभी जैसे आपको दिखाई मैं उसके साथ ही काट ली थी, अब हम प्याज डालेंगे उसके साथ ही आलू ऐड कर देंगे। आलू को एक सा काटिए और ना ज़्यादा मोटा ना बारीक, ऐसे ये पीसेस में काटिए। ऑयल गरम हो गया, हम उसमें प्याज ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, उसके बाद ही हम आलू ऐड कर देंगे इसके अंदर। देखिए प्याज थोड़ी हो गई, अब इसमें आलू ऐड कर देंगे। देखिए मैं जो नमक बताई थी आपको हाफ टी स्पून, उसको मैं आधा डाल दे रही हूँ। मीडियम पे है फ्लेम, अब मैं 5 मिनट के लिए इसको बंद कर दे रही हूँ। देखिए 5 मिनट्स हो गए, एक बार खोल के देखी थी मैं, मिक्स करी थी उसको, फिर से उसको हिला लेंगे। देखिए आलू सॉफ्ट हो गए, हम एक साइज़ के काटे इसलिए आलू जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो एक्स्ट्रा तेल डाले हम, ये तेल निकाल लेंगे इसमें से। थोड़ा सा तेल रख के इसको भी निकाल लेंगे, आलू और प्याज को भी निकाल लेंगे। थोड़ा सा तेल इसमें रख के फिर इसमें अंडे डालेंगे, मैं आपको बता दूँ। देखिए ये काली मिर्च और जो नमक रखे थे ये इसमें डाल देंगे। आधा नमक मैं आलू में प्याज में डाली थी और आधा इसमें डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसमें थोड़ा बारीक काट के कोथमीर डाल रही हूँ जो आपको दिखाई थी वही। अब ये जो आलू प्याज निकाले थे हम, इसमें ये ऐड कर देंगे। आलू प्याज जो तल के निकाले थे उसमें से थोड़ा तेल रख दी थी मैं, उसी में ये डाल देंगे। थोड़ा ज़रा सा मिक्स करिए, इसे उसको बंद कर देंगे। ये फ्लेम लो पे था, मैं मीडियम पे ला रही हूँ। देखिए 5 मिनट्स हो गए, अब इसको खोल के हम इसको फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के लिए प्लेट यूज़ करेंगे। ये प्लेट जो यूज़ करेंगे हम, पैन से बड़ी रहना, उसको ऐसे फ्लिप करेंगे। देखिए फ्लिप कर ली मैं, अब ये इसी को ऐसे ही पैन में फिर से ऐड करेंगे, ऐसे डाल देंगे, फिर ऐसे ही 5 मिनट तक पकाएंगे। इसको ठीक कर लेना, ऐसे थोड़े से ठीक कर लेंगे, फिर इसको ढाप के लो पे 5 मिनट्स रखेंगे। देखिए पक गया, ये मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। अब स्टोव बंद कर देंगे। देखिए स्पैनिश ऑमलेट रेडी हो गया, मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। आप ये स्पैनिश ऑमलेट को सॉस के साथ खा सकते हैं, या आप उसको ब्रेड में रख के सैंडविच के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।